अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, यदि आप कतर में रहते हो और कतर के अंतरिन खबरों से हमेशा वाकिफ रहना चाहते हो तो ये वीडियो को बिना स्क्रिप्ट का पूरा देखिए। चैनल पे नए हो या फिर पहली बार आया हो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको हमेशा फ्री में दोस्तों मिलती रहे। तो साथियों, आज की वीडियो में बहुत ही इंपॉर्टेंट खबर दोस्तों आपको सुनाने वाला हूं। यदि आप कतर में रहते हो या कतर अभी जाने वाले हो तो दोस्तों ट्रैवल पॉलिसी को इस महीने वहाँ पर चेंज किया गया है। तो किन लोगों को वहाँ पर क्वारंटीन रहना पड़ेगा, किन लोगों को PCR सर्टिफिकेट की जरूरत पड़ेगी, किन लोगों को एतराज़ एप्लीकेशन का रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, वैक्सीनेटेड लोगों के लिए क्या नियम है, अनवैक्सीनेटेड लोगों के लिए क्या नियम है, वहाँ पे QID होल्डर वाला को क्या नियम है, QID होल्डर जिसके पास नहीं है वो लोगों को क्या नियम है, जो नए वर्क वीज़ा में जा रहे हैं उनके क्या रूल होगा, सारा डिटेल इस वीडियो में आपको बताऊँगा। तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा, वीडियो बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, नहीं तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है। तो दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों मैं आपको बता दूँ, यदि आप QID होल्डर हैं, यदि आप फुली वैक्सीनेटेड हैं तो आपको किसी भी तरह की कोई क्वारंटीन रहने की वहाँ पे ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल फ्री क्वारंटीन होगा। नो नीड टू PCR टेस्ट, मतलब PCR टेस्ट की आपको आवश्यकता नहीं है और एतराज़ एप्लीकेशन भी आपको रजिस्ट्रेशन करने की भी आवश्यकता नहीं है। ना ही आपको क्वारंटीन रहना है, ना PCR टेस्ट चाहिए, ना एतराज़ एप्लीकेशन चाहिए, फुली वैक्सीनेटेड लोगों के लिए जो QID होल्डर हैं। अब जो QID होल्डर हैं जो अनवैक्सीनेटेड है, तो दोस्तों जो QID होल्डर है जो अनवैक्सीनेटेड है उसको 5 रातों के लिए क्वारंटीन रहना पड़ेगा। PCR टेस्ट 48 घंटे का भीतर का चाहिए होगा। एतराज़ एप्लीकेशन को आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा किसी भी कीमत पर, बिना रजिस्ट्रेशन के आपको एंट्री नहीं दी जाएगी। तो दोस्तों ये हो गया QID होल्डर जो वैक्सीनेटेड है और QID होल्डर जो कि अनवैक्सीनेटेड है। अब दोस्तों यदि आप नए वर्क वीज़ा वाले, यदि नए वर्क वीज़ा बहुत सारे लोग अभी अप्लाई करते हैं, जॉब के लिए अप्लाई करते हैं, तो जो नए वर्क वीज़ा वाले होल्डर वाले हैं यदि फुली वैक्सीनेटेड हैं तो उनको आपको एक दिन का क्वारंटीन, वहाँ पे एक नाइट का क्वारंटीन रहना पड़ेगा। PCR टेस्ट 48 घंटे का भीतर का चाहिए होगा और एतराज़ एप्लीकेशन पे आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। तो ये हो गया न्यू वर्क वीज़ा होल्डर वालों के लिए। अब अगला दोस्तों, न्यू वर्क वीज़ा होल्डर वाले जो अनवैक्सीनेटेड, यानी जिन लोगों ने वैक्सीन को नहीं लिया है, तो उन लोगों को 5 दिनों का क्वारंटीन रहना होगा। PCR टेस्ट 48 घंटे का भीतर का चाहिए होगा और एतराज़ एप्लीकेशन आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। तो दोस्तों ये नियम सभी जो है वो लाए गए हैं, नए ट्रैवल पॉलिसी को चेंज किया गया है, जो फुली वैक्सीनेटेड है, क्वारंटीन वगैरह सारा डिटेल मैंने आपको बता दिया। जो भी लोग अभी ट्रैवल करने वाले हो आपको सारी जानकारी मिल गई होगी। अब दोस्तों चलते हैं अगली खबर की ओर। अगली खबर दोस्तों जो आ रही, साथ में बताना चाहूंगा आपको, इंडिया के बहुत ही बड़े एक्टर थे दोस्तों मिथिलेश चतुर्वेदी, उनके बारे में दोस्तों आपने कभी ना कभी जरूर सुना होगा और बहुत सारे मूवी में देखा होगा। तो मिथिलेश चतुर्वेदी का दोस्तों डेथ हो चुका है लखनऊ में, क्योंकि उसका हार्ट फेल कर गया था। अब दोस्तों उन हार्ट फेल करने की वजह से हॉस्पिटल में ही दोस्तों उनकी मौत हो गई। मौत की पुष्टि कल के दिन मीडिया की तरफ से किया गया। अगली खबर की ओर साथियों चलते हैं। अगली खबर दोस्तों जो आ रही साथियों, कतर म्यूजियम की तरफ से आर्टिस्ट समिट का प्रपोजल रखा गया। यानी यदि आप कतर में रहते हो कि फीफा वर्ल्ड कप के दौरान किसी तरह का दोस्तों आर्ट वगैरह आप दिखाना चाहते हो, तो किसी तरह का प्रपोजल देना चाहते हो, तो वो प्रपोजल को आप दे सकते हो। आपके आर्ट बनाए गए आर्ट को, मतलब वो कला, आपको कलाकृति को आपको फीफा वर्ल्ड कप के दौरान दर्शाया जाएगा। 15 अगस्त से पहले आप लोगों को जो भी दो वहाँ पर सौंपना है जाके कतर म्यूजियम में जाके दोस्तों सौंप सकते हो। जो भी लोग अपना पार्टिसिपेट करना चाहो तो वहाँ पार्टिसिपेट जाके कर सकते हो। तो ये कुछ अपडेट्स थी, कुछ खबरें थी जो कि कतर से आ रही थी, मैंने अब तक शेयर किया। आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी हो। वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि और भी लोग को इसकी जानकारी हो सके। मिलते साथियों ने स्टूडियो पर, अल्लाह हाफिज़ एंड टेक केयर।